Institute of Industrial Development. It is incubator for SME Government of India. इसके तहत मैं आपको ब्रायलर पैरेंट फार्मिंग और हैचरी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. इस ब्रायलर पैरेंट फार्मिंग और हैचरी इस बिजनेस का जो है मेन मकसद जो है वो है ब्रायलर के चूज़े पैदा करना. ब्रायलर एक ऐसा चूज़ा होता है जिसको मीट प्रोडक्शन के लिए पाला जाता है, चिकन मीट के लिए. और ये चूज़ा जो है इसकी ख़ूबी ये है कि ये आज की तारीख में 35 से 38 दिन के अंदर ये 2 किलो और उसके ऊपर बॉडी वेट अटेन कर लेता है. इसे मेल और फीमेल दोनों शामिल होते हैं. कहने का मतलब ये है कि ये इस तरीके की बर्ड है जो कम वक्त में ज़्यादा बॉडी वेट गेन करती है. और उससे क्या है कि आदमी अपना मीट का रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा कर सकता है. और बिज़नेस के लिए इसलिए आसान है कि 20-22 दिन के अंदर आदमी ने जो है पूरा एक फलाक ख़रीदा, तैयार किया, उसको बेच दिया, फिर घर को साफ़ किया, फिर बच्चे डाले, फिर तैयार किया, फिर बेच दिया. तो एक साल में एक ही मकान से वो 6 या 7 बार ऐसे साइकिल की तरह बच्चों को पाल के अपनी बिज़नेस कर सकता है. ये इंडस्ट्री भी यूपी के अंदर बहुत इसकी डिमांड भी है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी कर रही है. लेकिन ये बिज़नेस है क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बतला दें. देखिए, नॉर्मल मुर्गी जो होती है वो 6 महीने में जाके 1.25 किलो 1.5 किलो के करीब होती है 6 महीने में. और ये जो है बहुत कम वक्त में ग्रो कर जाता है. तो ये क्या वजह है कि ऐसा हो जाता है? ये इसके पीछे एक ब्रीडिंग पॉलिसी है. साइंटिस्ट ने वर्ल्ड ओवर मीट प्रोडक्शन दुनिया में जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी तरीके से मीट को प्रोड्यूस करने के लिए भी डिफरेंट स्पीशीज़ को डेवलप किया लाइफ स्टॉक की, जिसमें पोर्क भी है, गोट भी है और पोल्ट्री भी है. तो इन सभी से तेज़ी से ग्रोथ करने वाला जो है वो है ब्रॉयलर फार्मिंग. ब्रॉयलर फार्मिंग है क्या एक्चुअल में, इसके बारे में बहुत से कन्फ्यूज़न है लोगों को. इसमें हार्मोन और क्या और क्या लोग समझते हैं कि इंजेक्शन दे दे के बड़ा कर लिया जाता है बच्चों को. दरअसल ऐसी बात नहीं है. ये एक प्योर साइंटिफिक रिसर्च है जिसके तहत ये सारी चीज़ें हैं कि कितना कम फीड खाए, कितना फीड खाए, कितनी जल्दी ग्रोथ करे, क्या क्या इसको बीमारियों से बचाना है, क्या क्या बायोसिक्योरिटी अपनानी है, ये जो जो चीज़ें इसके उसमें जीन अकेली कैरेक्टर्स जो भी होते हैं वो जीन्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं. और ये हर इकोनॉमिक कैरेक्टर यानी जो भी हमको चाहिए वो जिस बर्ड में मिलता है उस बर्ड से वो कैरेक्टर को जीन्स को आइसोलेट करके इसमें प्योर लाइंस बनाई जाती हैं. यानी कुछ कैरेक्टर्स 10 हैं उनको मिला के मेल लाइन में ले आए, जो फीमेल के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं उसको फीमेल लाइन में ले आए, फिर इनके आपस में क्रॉस करने के बाद एक हाइब्रिड चूज़ा पैदा होता है जिसके अंदर वो सारे कैरेक्टर मौजूद होते हैं जो हमको चाहिए. तो एक साइंटिफिक पॉलिसी के तहत ये बर्ड बनाई जाती है. उसके बाद जो ये तो रिसर्च वर्क होता है इसको प्योर लाइन फार्मिंग कहते हैं. इसके बाद इसमें जो फाइनली एक मेल और एक फीमेल ऐसा निकलता है जिसको कि पेरेंट की शक्ल में पालते हैं. और उसको पेरेंट की शक्ल में जब पालते हैं तो इस पर्टिकुलर मेल और पर्टिकुलर फीमेल के क्रॉस से जो बच्चे निकलते हैं वो ब्रॉयलर चिक्स होते हैं. तो ये जो पेरेंट फार्मिंग को जब पालते हैं ताकि बच्चे निकल सकें चूज़े, इस बिज़नेस को कहते हैं पेरेंट फार्मिंग. और इसी के अंदर हैचरी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मेल और फीमेल जो अंडे देती हैं उनके क्रॉस से जो अंडे निकलते हैं वो फर्टाइल होते हैं, फर्टिलाइज्ड होते हैं. अब उसमें से बच्चे निकालने के लिए आमतौर पर भाई जो मुर्गियां होती हैं वो तो कुदरती तौर पे अंडों पे बैठती हैं और बच्चे निकालती हैं 21 दिन के बाद. लेकिन इसमें जो है इनक्यूबेटर की मदद ली जाती है जिसको हैचरी कहते हैं. हैचरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर अंडों को एक सेटर होता है जहाँ उनको 18 दिन तक सेट किया जाता है. उनको वही टेम्परेचर, वही ह्यूमिडिटी, वही टर्निंग दी जाती है जो मुर्गी अंडे पे बैठने के बाद देती है. तो बच्चा उसमें डेवलप होता है. फिर 18 दिन के बाद अगले 3 दिन उसको एक दूसरे इनक्यूबेटर में शिफ्ट किया जाता है जिसको हैचर कहते हैं. 3 दिन के अंदर वहाँ से चूज़े निकलते हैं और वो चूज़े फिर फील्ड में जाके लोग दिए जाते हैं, वहाँ वो बिकते हैं. तो ये कारोबार जो है पेरेंट फार्मिंग का, ब्रॉयलर का, इसके अंदर एक दो काम होते हैं. पहला काम होता है कि ब्रॉयलर का पेरेंट आदमी पाले, मेल पाले, फीमेल पाले,
एक दिन के बच्चे को लेके पालना पड़ता है, फिर उनको स्टैंडर्ड के हिसाब से उनका बॉडी वेट तैयार किया जाता है, उनको वैक्सीन्स की जाती हैं, पूरी तरीके से उनको इन्फेक्शन से दूर रखा जाता है। उसके बाद इन अंडों को इनक्यूबेटर में ले जाते हैं, वहाँ इनक्यूबेटर से बच्चे निकलते हैं और वो बच्चे फिर फील्ड में बांटे जाते हैं। फिर इस कारोबार के अंदर जो भी आदमी इस काम को करता है उसको उन चूज़ों को मार्केटिंग भी डेवलप करनी पड़ती है। तो ये एक बड़े पैमाने पे काम है और इसके अंदर काफ़ी टेक्निकल लोगों की ज़रूरत पड़ती है। फीड मैन्युफैक्चरिंग बहुत इसमें एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, फार्म मैनेजमेंट, डिजीज़ कंट्रोल, प्रिवेंशन, इन सब चीज़ों पर ध्यान रख के तब ये काम किया जाता है। तो इस इंडस्ट्री को भी डेवलप करने के लिए यूपी पोल्ट्री पॉलिसी में कुछ सहूलतें दी गई हैं, जैसे लेयर फार्मिंग में दी गई हैं वैसे ही जो है ब्रॉयलर फार्मिंग में भी दी गई हैं। ब्रॉयलर फार्मिंग में जो सहूलतें दी गई हैं वो ये हैं कि इसमें भी यूनिट बनाई गई हैं कि एक यूनिट जो है कम से कम 10,000 बर्ड्स की होगी। 10,000 बर्ड का मतलब है कि 10,000 फीमेल होंगी, उसके साथ में जितने 15% मेल होंगे वो भी होंगे, लेकिन यूनिट कहलाएगी 10,000 बर्ड्स की। इस एक यूनिट को लगाने के लिए आदमी जिसके पास ज़मीन है वो लगा सकता है, जिसके पास ज़मीन नहीं है अगर वो ख़रीदना चाहता है तो 6 एकड़ ज़मीन एक यूनिट के लिए वो ख़रीद सकता है, जिसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी जो है वो 100% फ्री रखी गई है। दूसरी चीज़ ये है कि इस एक यूनिट को लगाने की जो कास्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो 2,65,000 रुपये है। इस 2,65,000 रुपये में आदमी को 70% अमाउंट जो है वो बैंक से फाइनेंस कराना है, 30% अमाउंट जो है वो अपना लगाना है, और जो 70% अमाउंट वो बैंक से लोन लेता है उसको जब बैंक को रीपे करता है तो रीपेमेंट जो है वो जब करेगा तो जो भी बैंक का इंटरेस्ट है वो मानिए अगर 11% है तो 10% यानी कि 10 पॉइंट के हिसाब से उसको गवर्नमेंट 5 साल तक वो इंटरेस्ट पे करेगी। ये भी इंटरेस्ट सबवेंशन है और एक यूनिट को 5 साल में 45 लाख रुपए जो है वो इस मद में गवर्नमेंट दे रही है यूपी गवर्नमेंट। तो इस तरीके से इस पॉलिसी में भी काफ़ी ग्रोथ हुई है और लोग पैरेंट फार्म भी यूपी में लगा रहे हैं। ब्रॉयलर की कुछ अच्छाइयाँ ये हैं कि ये इसकी डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी है। अच्छे का मतलब ये है कि इसके मुकाबले में अगर कोई मानिए 100 ग्राम कोई ब्रॉयलर का मीट खाता है या 100 ग्राम कोई मटन खाता है तो जो बॉडी में आदमी के जो अवजार होता है जिसे कहते हैं TDN यानी टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, वो ब्रॉयलर के केस में 80% उसको जो है बॉडी में अब्जॉर्ब होता है। चूंकि बहुत जल्दी बर्ड ये एनिमल बर्ड ग्रो करी है इसलिए इसके अंदर सॉफ्ट टिश्यू ज़्यादा होते हैं, इसकी बोन भी बहुत नाजुक होती है, तो अवेलेबिलिटी जो है बॉडी को वो इसमें 80 ग्राम तक होती है। इसके मुकाबले में कोई आदमी अगर गोट मीट खाता है, मटन लेता है, तो उसमें मटन में जो एनिमल काटा जाता है वो भी साल भर से ऊपर का होता है, तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है बॉडी को मीट की वो 47-46% ही होती है। तो इस तरीके से आदमी कम पैसे में अच्छा और ज़्यादा न्यूट्रिशन जो है वो पा सकता है और वर्ल्ड ओवर जो है ये इसी तरीके से जो है लोगों ने इसको समझा है और कंजम्पशन पर हेड का बहुत ज़्यादा है। इंडियन न्यूट्रिशनल एकेडमी के हिसाब से अगर देखा जाए तो चिकन मीट जो है एक आदमी को एक साल में तकरीबन 11 किलो पर हेड पर एनम कंज्यूम करना चाहिए, जिसके तहत हमारे यहाँ यूपी के अंदर अभी ये 2 किलो पर हेड पर एनम की अवेलेबिलिटी है। तो इस फील्ड को भी आगे ग्रो करने का जो है बहुत बड़ा फ्यूचर जो है प्रॉस्पेक्ट यहाँ यूपी के अंदर मौजूद है। तीसरी चीज़ ये भी है कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट में बढ़ाने के लिए खाली चिकन को आमतौर पर जैसे पका के खाया जाता है उसके अलावा बहुत से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं चिकन के अंदर, उनकी भी मार्केटिंग धीरे धीरे बढ़ रही है और लोग उस इंडस्ट्री को भी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कुक्ड, सेमी कुक्ड, बॉयल्ड चिकन के पोर्शंस, डिफरेंट लेग पीसेस, ब्रेस्ट पीसेस, इस तरीके से भी उसको डेवलप कर सकते हैं, कर रहे हैं भी हैं लोग। लेकिन ये इंडस्ट्री जो है हैचरी वाली, इसके अंदर बायो सिक्योरिटी, डिजीज़ कंट्रोल वगैरह का जो प्रोग्राम है वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, क्योंकि अगर पेरेंट बर्ड मेल फीमेल वही बीमार हो गए
तो फिर जो वो अंडे देंगे उसके अंदर से जो है बच्चे निकलेंगे वो भी बीमार होंगे। तो इस काम को जो है टेक्निकल ओपिनियन के साथ एक्सपर्ट के साथ मिल के ढंग से करने में ज़्यादा फायदा है। और इसमें भी वही बात आती है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो चिक होती है वो यूपी के अंदर सस्ती पड़ेगी। इसलिए सस्ती पड़ेगी कि इसके भी फीड इंग्रेडिएंट जो हैं यूपी के अंदर बहुत बड़ी तादाद में अवेलेबल रहते हैं, तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कम होता है। जब फीड का इन्वेस्टमेंट कम होता है तो आदमी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और इसके अंदर भी आदमी को कैश रिटर्न आता है। किसी किस्म की कोई सेल टैक्स, ट्रेड टैक्स वगैरह चीज़ें इसके अंदर नहीं है।